So we have seen what is website, we have seen what is the purpose of website, and then we are seeing different categories of website. तो बेसिकली वेबसाइट के दो कैटेगरीज हैं, एक होती है स्टैटिक वेबसाइट और दूसरी होती है डायनेमिक वेबसाइट. इफ समबडी आस्क यू व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट, यू कैन से दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेबसाइट, वन इज स्टैटिक वेबसाइट एंड सेकेंड वन इज डायनेमिक वेबसाइट. नाउ व्हाट इज स्टैटिक वेबसाइट? स्टैटिक हम किसे कहते हैं? जो चीज चेंज नहीं होती है उसको हम स्टैटिक कहते हैं. और डायनेमिक हम किसे कहते हैं? जो चीज चेंज होती रहती है उसको हम डायनेमिक कहते हैं. तो यहां पर अ वेबसाइट हुज कंटेंट आर फिक्स्ड, वेबसाइट के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन दिख रही है वो फिक्स होती है, ऐसी वेबसाइट को हम लोग कहते हैं स्टैटिक वेबसाइट. मतलब हर बार जब भी आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट को ओपन करोगे आपको वही इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आप लोगों ने पिछली बार देखी थी. डायनेमिक वेबसाइट के केस में ऐसे नहीं होता है. जैसे आज मैंने डायनेमिक वेबसाइट को ओपन किया, आई एम गेटिंग सम डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, टुमारो आई विल गेट सम डिफरेंट इन्फॉर्मेशन. जैसे कोई वेबसाइट अगर न्यूज़पेपर दिखा रही है, आज मैंने देखा तो आज का न्यूज़पेपर मैंने उस वेबसाइट के ऊपर रीड किया, जब मैं कल उस वेबसाइट के ऊपर लॉग इन करूंगा तो मुझे कल कोई अलग या कल की डेट का न्यूज़पेपर उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर मिलेगा. तो ऐसे वेबसाइट को हम लोग डायनेमिक वेबसाइट कहते हैं. अब वेबसाइट स्टैटिक हो या डायनेमिक हो, इट हैज सम प्रोज एंड कॉन्स दैट वी हैव टू सी, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट. तो सबसे पहले स्टैटिक वेबसाइट के एडवांटेज डिसएडवांटेज हम लोग देख लेते हैं. ऐसी जो वेबसाइट है ये बहुत ही जल्दी डेवलप हो जाती है, क्विक टू डेवलप. इसको डेवलप करने के लिए आप लोगों को बेसिक HTML, CSS, JavaScript पता होना चाहिए. तो जिसको इस टेक्नोलॉजी का नॉलेज है वो लोग आसानी से स्टैटिक वेब पेजेस बनाकर आपकी स्टैटिक स्टैटिक वेबसाइट को वहां पर डेवलप कर सकता है. इस वेबसाइट को बनाने के लिए खर्चा भी बहुत कम लगता है, चीप टू डेवलप. आपको रिसोर्सेज इसमें लगते हैं सिर्फ नोटपैड कोड टाइप करने के लिए और ब्राउजर उस फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए. तो कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पर परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है. इसलिए जो स्टैटिक वेबसाइट का डेवलपमेंट कॉस्ट होता है वो बहुत ही चीप होता है एज कंपेयर टू डायनेमिक वेबसाइट. और ऐसी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए भी जो खर्चा आता है वो भी बहुत कम होता है, चीप टू होस्ट. वेब होस्टिंग इज नथिंग बट आपकी वेबसाइट को उस सर्वर के ऊपर डालना जहां से वो थ्रू आउट वर्ल्ड एक्सेसिबल हो, इसी को हम लोग कहते हैं वेब होस्टिंग. तो ये भी बहुत ही सस्ती होती है इन केस ऑफ स्टैटिक वेबसाइट. स्टैटिक वेबसाइट के अंदर डेटाबेस नहीं होता है तो ऐसे वेबसाइट का जो साइज है वो कम होने के वजह से होस्टिंग के लिए आपको जो स्पेस परचेस करनी पड़ती है उसके लिए भी आपको कम पैसे पे करने पड़ते हैं. तो ये हो गए स्टैटिक वेबसाइट के एडवांटेजेस. फास्ट डेवलप कर सकते हैं हम स्टैटिक वेबसाइट को. डेवलप करने के लिए हमको रिसोर्सेज बहुत कम लगते हैं, इसीलिए डेवलप करने के लिए कोई खर्चा नहीं आता है. और डेवलप होने के बाद उसको इंटरनेट के ऊपर होस्ट करने के लिए भी कम से कम खर्चा लगता है, तो चीप टू होस्ट. नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टैटिक वेबसाइट, रिक्वायर्स एक्सपर्ट टू अपडेट वेबसाइट. अब ऐसी वेबसाइट को अगर अपडेट करना है तो आप लोगों को एक्सपर्ट की ही हेल्प लेनी पड़ेगी. जैसे मान लो कि आपका कोई शॉप है और उस पर्टिकुलर शॉप के लिए आप लोगों ने एक स्टैटिक वेबसाइट बना ली, उसके ऊपर आपने आपके शॉप के कुछ प्रोडक्ट्स डिस्प्ले किए, आपने डेवलपर को बता दिया था कि मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, अबाउट में मुझे मेरा खुद का इमेज दिखना चाहिए, होम पेज पर मेरे तीन चार प्रोडक्ट वहां पर दिखने चाहिए, यू हैव गिवन कंप्लीट इंफॉर्मेशन टू द डेवलपर, डेवलपर ने उस अकॉर्डिंग कुछ स्टैटिक वेबसाइट वेब पेजेस डिजाइन करके आपकी वेबसाइट बना दी. अब इन फ्यूचर ऐसे होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट आती है कि मुझे मेरा फोटो चेंज करना है जो अबाउट में दिखाई दे रहा है, तो स्टैटिक वेबसाइट के केस में आप लोग उसको चेंज नहीं कर सकते. अगेन यू हैव टू कॉन्टैक्ट योर डेवलपर और योर टेक्निकल एक्सपर्ट, फिर वो आपकी जो नई इंफॉर्मेशन है वो लेगा, उसको फिर वो वेब पेजेस के अंदर टैग्स के अंदर मॉडिफाई करेगा, पैराग्राफ को मॉडिफाई करेगा, IMG टैग को मॉडिफाई करेगा और दोबारा से फिर जो भी इंफॉर्मेशन आपको उस वेबसाइट के अंदर डालनी है वो वहां पर अपडेट हो जाएगी. तो ऐसी वेबसाइट एक्सपर्ट के थ्रू ही अपडेट होती है. दूसरा जो इसका डिसएडवांटेजेस है दैट इज साइट
नॉट एज यूजफुल फॉर यूजर, ऐसी साइट यूजर्स के लिए ज्यादा यूजफुल नहीं होती है। जैसे एक स्टैटिक वेबसाइट वो कुछ प्रोडक्ट दिखा रही है और दूसरी डायनेमिक वेबसाइट वो कुछ प्रोडक्ट दिखा रही है, तो आप लोग कौन सी वेबसाइट पर जाओगे? डेफिनेटली डायनेमिक वेबसाइट पर, क्योंकि स्टैटिक वेबसाइट के ऊपर एक बार अगर आपने विजिट किया तो दोबारा भी आपको वही इंफॉर्मेशन वहां पर मिलने वाली है, तो आपको पता है कि उस वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी क्या है और वो चेंज होने वाला नहीं है, तो ऐसी वेबसाइट यूजर के लिए उतनी यूजफुल नहीं होती है। और यूजर के लिए यूजफुल न होने के वजह से कंटेंट कैन गेट स्टैग्नेंट। जैसे एक पानी होता है किसी खड्डे के अंदर, वो कुछ दिनों बाद उसमें से बदबू आने लग जाती है, तो वैसे ही स्टैटिक वेबसाइट के कंटेंट क्या हो जाते हैं? स्टैग्नेंट हो जाते हैं, मतलब कंप्लीटली यूजलेस हो जाते हैं। और कंप्लीटली यूजलेस होने के वजह से कोई भी उस वेबसाइट को दोबारा विजिट नहीं करता है, और वेबसाइट को अगर विजिट नहीं किया तो जो पर्पज होता है वेबसाइट का बनाने का, दैट इज इंफॉर्मेशन शेयरिंग या फिर बिजनेस, वो वहां पर सक्सेसफुल नहीं होता है। तो आपकी जो वेबसाइट होती है वो आपको कोई भी एडवांटेज वहां पर नहीं देती। जब भी आप वेबसाइट बनाते हो तो पहला जो पर्पज उसमें होना चाहिए कि आपके वेबसाइट को ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे विजिट करेंगे, तो ऐसे आपके वेबसाइट के ऊपर क्या होगा जिसके थ्रू आप आपके वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा लोग उस वेबसाइट के ऊपर आने चाहिए, आपके वेबसाइट के सब्सक्राइबर मैक्सिमम होने चाहिए, तो ही जाके आप इन फ्यूचर बिजनेस रिलेटेड अगर आपको कुछ एक्टिविटीज करने हैं तो आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर कर सकते हैं। अगर हम हमारे कॉलेज के वेबसाइट का एग्जाम्पल ले, devgiricollege.org, सो दिस पर्टिकुलर वेबसाइट हैज बोथ द पर्पस, इंफॉर्मेशन शेयरिंग ऑल्सो एंड बिजनेस ऑल्सो। आप लोग देख सकते हो कि आपको कुछ भी नए अपडेट्स आप अपने वेबसाइट के ऊपर मिल जाते हैं, या फिर आपको कुछ फीस वगैरह पे करनी है तो वो भी आप वेबसाइट के थ्रू पे कर सकते हो, जिससे कॉलेज का जो बिजनेस मॉडल है वो अच्छे से वहां पर एग्जीक्यूट होता है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टैटिक वेबसाइट। नाउ नेक्स्ट वी विल सी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डायनेमिक वेबसाइट। जैसे मैंने आपको स्टैटिक वेबसाइट के बारे में बताया कि ऐसी वेबसाइट को बनाने के लिए हमको HTML, CSS, JavaScript, ये फ्रंट एंड मॉडल लगते हैं, राइट? इन्हीं से ये पर्टिकुलर वेबसाइट बन जाती है। इस पर्टिकुलर वेबसाइट में डेटाबेस का कोई रोल नहीं होता, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। बट व्हेन वी टॉक अबाउट डायनेमिक वेबसाइट एज कंपेयर टू स्टैटिक वेबसाइट, इट इज मच मोर फंक्शनल वेबसाइट। इसमें बहुत ज्यादा फंक्शनैलिटी होती है। फंक्शनैलिटी होती है मतलब एडमिन पैनल होता है, लॉगिन होता है, कंटेंट मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो इट इज अ फुल फंक्शनल वेबसाइट। मच इजियर टू अपडेट वेबसाइट, मतलब जो भी इसके वेबसाइट के ओनर है या फिर यूजर है, विदाउट हैविंग टेक्निकल नॉलेज दे कैन इजीली अपडेट द कंटेंट ऑफ डायनेमिक वेबसाइट। The popular example of dynamic website we can see Facebook. अगर आपको आपका profile picture change करना है without having any technical knowledge, you can easily change that profile picture. या फिर आपको कुछ आपके contents change करने हैं, कुछ description change करना है, profile change करना है, आप लोग आसानी से वहां पर आपको form होता है उसको modify करके आप लोग आपके information change कर सकते हैं। किसी बिजनेस ओनर ने उसके शॉप के लिए अगर डायनेमिक वेबसाइट बनाई तो वो उस शॉप के प्रोडक्ट्स को खुद ही चेंज कर सकता है, उसके प्राइस मॉडिफाई कर सकता है। उसके लिए उसको डेवलपर को कॉल करके, जैसे इन केस ऑफ स्टैटिक वेबसाइट हम देते हैं इंफॉर्मेशन, वो उसकी जरूरत नहीं पड़ती, तो इट इज मच इजियर टू अपडेट। एंड थर्ड एडवांटेज ऑफ डायनेमिक वेबसाइट, न्यू कंटेंट ब्रिंग्स पीपल बैक टू द साइट and helps the search engine. तो जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा कि इस वेबसाइट के ऊपर हर दिन कुछ ना कुछ हमको नया देखने को मिलेगा, तो वहां पर ट्रैफिक बढ़ेगी, और ट्रैफिक बढ़ने से जो आपका वेबसाइट का जो बिजनेस है वो अच्छे से वहां पर आपका अचीव होगा। डिसएडवांटेजेस भी है डायनेमिक वेबसाइट के, स्लोअर और मोर एक्सपेंसिव टू डेवलप। ऐसी वेबसाइट एज कंपेयर टू स्टैटिक वेबसाइट स्लो होती है। स्लो क्यों होती है? बिकॉज इसके अंदर बहुत सारा लोड होता है, डेटाबेस बैकएंड में हम लोग यूज करते हैं और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इसमें होता है,
तो ये सारी चीजें वेबसाइट को स्लो बना देती है। मोर एक्सपेंसिव इसलिए कि HTML तो लगता ही है वेबसाइट बनाने के लिए, बट HTML के अलावा आप लोगों को सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस वहां पर यूज करने पड़ते हैं। अगर आपको डायनेमिक वेबसाइट बनानी है तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में PHP आता है, ASP आता है, JSP जावा बेस्ड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी आता है, इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो। तो ये एक सपोर्टिव लैंग्वेज विथ HTML यू हैव टू यूज टू बिल्ड योर डायनेमिक वेबसाइट। डायनेमिक वेबसाइट को आप ऐसे भी कह सकते हो, वेबसाइट विथ डेटाबेस, जिस वेबसाइट के बैकएंड में डेटाबेस है और डेटाबेस से इंफॉर्मेशन फेच करके आप लोग वेब पेजेस पर दिखा रहे हो, या फिर वेब पेजेस में से आप इंफॉर्मेशन डेटाबेस के अंदर डाल रहे हो, तो वहां पर डेटाबेस लगता है और डेटाबेस के लिए फिर और एडिशनल कॉस्ट। कई बार डेटाबेस ओपन सोर्स होता है तो फ्रीली अवेलेबल होता है, बट फिर भी होस्टिंग के लिए उसको ज्यादा स्पेस लगता है एज कंपेयर टू स्टैटिक वेबसाइट, तो वहां पर आपका होस्टिंग कॉस्ट भी बढ़ जाता है। ओके, तो ये हो गए एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डायनेमिक वेबसाइट के। नाउ इट इज टाइम टू अटेंडेंस, यू ऑल हैव टू गो टू द क्लासरूम। आई होप दिस ऑल कंटेंट यू हैव रिटन इन योर नोटबुक। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज क्लाइंट साइड वर्सेस सर्वर साइड कोडिंग, क्लाइंट साइड कोडिंग वर्सेस सर्वर साइड कोडिंग। अब देखो क्लाइंट साइड कोड क्या होता है और सर्वर साइड कोड क्या होता है, इसको समझने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्लाइंट किसे कहते हैं और सर्वर किसे कहते हैं। तो क्लाइंट वो सिस्टम होता है जहां पर आपकी वेबसाइट ओपन होती है। तो जैसे हम लोग वेबसाइट को ओपन करते हैं ब्राउजर के अंदर, तो ब्राउजर हमारा क्या होता है, क्लाइंट होता है, और सर्वर वो सिस्टम होता है जहां पर आपकी वेबसाइट प्रोसेस होती है। प्रोसेस होती है मतलब जैसे वेबसाइट का जो कोड है, या फिर आप इसको और आसानी से बोल सकते हो कि जहां पर आपकी वेबसाइट आप लोग रखते हो उसको हम लोग सर्वर कहते हैं। वेब होस्टिंग के केस में आप लोग जिस किसी डोमेन सर्विस प्रोवाइडर से डोमेन खरीदोगे और स्पेस खरीदोगे, तो वहां पर आप जहां कहीं पर आपके वेबसाइट को रखोगे वो आपका सर्वर होगा, राइट। उस वेबसाइट को प्रोसेस करने वाला सिस्टम, सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर उसको आप लोग बोल सकते हो, वो सर्वर होगा। तो जहां पर आपकी वेबसाइट खुलती है उसको क्लाइंट हम कहते हैं, और जहां पर हम लोग वेबसाइट को रखते हैं उसको हम लोग सर्वर कहते हैं। और इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि आपका जो ब्राउजर है वो क्लाइंट होता है, और सर्वर डिपेंड ऑन कौन सी सर्वर साइड आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करते हो वो आपका मशीन होता है। यहाँ पर ऐसा कोड जो ब्राउजर समझ सकता है और उसको एग्जीक्यूट कर सकता है उस कोड को हम कहते हैं क्लाइंट साइड कोड। कीप इन माइंड, ऐसा कोड जिसको ब्राउजर समझ सकता है, उस कोड को ब्राउजर खुद एग्जीक्यूट कर सकता है, ऐसे कोड को हम कहते हैं क्लाइंट साइड कोड। और ऐसा कोड जो ब्राउजर को समझ में नहीं आता है तो ऐसे कोड को सर्वर समझ के उसको एग्जीक्यूट करके प्रोसेस करता है, ऐसे कोड को हम लोग कहते हैं सर्वर साइड कोड। तो ब्राउजर के लिए हम लोग लिखते हैं HTML। ओके, सो यू कैन से दैट HTML इज अ क्लाइंट साइड कोड बिकॉज ब्राउजर कैन अंडरस्टैंड ऑल HTML टैग्स। जैसे आप लोगों ने अभी तक जितने भी HTML के पेजेस लिखे थे उसको कोई एडिशनल सर्वर वहां पर नहीं लगा, उसको सिर्फ नोटपैड के अंदर हम लोगों ने एक HTML का पेज बना दिया, उसको कहीं पर भी सेव किया किसी भी लोकेशन पर, और उसको डायरेक्टली ब्राउजर के अंदर हमने लोड किया, तो आप लोगों ने देखा कि सारे HTML के टैग्स का आउटपुट वहां पर आ गया, बिकॉज ब्राउजर ने उन टैग्स को प्रोसेस करके जो भी रिक्वायर्ड आउटपुट है वो पेज के ऊपर डिस्प्ले कर दिया। तो HTML को आप लोग कहते हैं इट इज क्लाइंट साइड कोड। नाउ व्हाट इज सर्वर साइड कोड, तो जो भी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आप लोग यूज करोगे उस पर्टिकुलर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में लिखे जाने वाले कोड को हम कहते हैं सर्वर साइड कोड। जैसे आप अगर PHP के अंदर कुछ कोड लिखते हो PHP के सिंटैक्स यूज करके, तो ये जो PHP का कोड होगा वो आपका क्या होगा, सर्वर साइड कोड होगा।
HTML का कोड क्या होता है? क्लाइंट साइड कोड होता है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज क्लाइंट साइड कोड एंड व्हाट इज सर्वर साइड कोड. इसी को हम लोग कहते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और इसी को हम कहते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. सर्वर साइड कोड जनरली लिखा जाता है बिजनेस लॉजिक लिखने के लिए और क्लाइंट साइड कोड जनरली लिखा जाता है कुछ प्रेजेंटेशन मतलब वेब कंटेंट को प्रेजेंट करने के लिए. और सर्वर साइड पीएचपी इज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज राइट. तो उसी तरीके से अगर आप लोग ASP.NET के अंदर वेबसाइट बना रहे हो तो ASP.NET इज अ सर्वर साइड कोड ASP और JSP के केस में JSP इज अ सर्वर साइड कोड एंड इन ऑल केसेस HTML इज अ क्लाइंट साइड कोड. एंड रिमेंबर वन थिंग विदाउट HTML यू कैन नॉट डेवलप ए वेबसाइट. जैसे स्टैटिक वेबसाइट में सिर्फ क्लाइंट साइड कोड होता है सर्वर साइड कोड नहीं होता है बट डायनेमिक वेबसाइट में दोनों कोड होते हैं. आपका HTML का कोड भी वहां पर होगा और आपके PHP का कोड भी होगा. विदाउट HTML यू कैन नॉट डेवलप ए वेबसाइट. सो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड. ओके सो इफ कोड इज एग्जीक्यूटेड ऑन द वेब सर्वर इट इज कंसिडर्ड सर्वर साइड कोड. इफ कोड इज एग्जीक्यूटेड ऑन योर ब्राउजर इट इज कंसिडर्ड क्लाइंट साइड कोड. सो give the heading server side coding versus client side coding. Give the heading server side code versus client side code. If code is executed on the web server it is considered server side code. If code is executed on web server it is considered server side code. If code is executed on your browser, it is considered client side code. Code is executed on server, it is server side code. If code is executed on browser,